तेलुगु एक्टर और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अभिनेता जिनके ज़्यादातर फिल्में सुपर डुपर हिट साबित होती हैं। बात की जाए उनके लुक्स की या पर्सनालिटी की, तो उनके लुक और पर्सनालिटी का दीवाना हर कोई है। यही कारण है कि जब उनकी पर्सनालिटी और बेहतर एक्टिंग दोनों मिल जाती हैं तो फैंस को काफ़ी पसंद आती है और उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं फिल्मी मार्ट। हम बात कर रहे हैं अल्लू अर्जुन की। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1983 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था। अल्लू अर्जुन को बचपन से ही फिल्मों का शौक था क्योंकि उनके दादाजी अल्लू राम लिंगैया तमिल और तेलुगु फिल्मों में अभिनेता के तौर पर काफी पहले से काम करते थे। उनके पिता एक फिल्म निर्माता हैं, ऐसे में उनका पारिवारिक माहौल पूरी तरह से फिल्मी ही था, जिसके कारण उन्होंने फिल्मों को अपना कैरियर चुना। वैसे तो अल्लू अर्जुन जिस माहौल में पला बड़ा वो बचपन से ही फिल्मों का शौकीन रहा। चूंकि अल्लू अर्जुन के दादा और उनके पिता इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे तो बचपन से ही अल्लू अर्जुन को एक्टिंग का शौक रहा। अल्लू अर्जुन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मुख्य अभिनेता के रूप में 2003 में आई फिल्म गंगोत्री से की। गंगोत्री के बाद अल्लू अर्जुन की साल 2004 में फिल्म आर्या रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ की कमाई की, जो एक बहुत ही अच्छा खासा कलेक्शन है, जिसके बाद अल्लू अर्जुन सभी के चहेते अभिनेता बन गए थे। इसके बाद साल 2005 में उनकी तीसरी फिल्म बन्नी रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। एक के बाद एक लगातार हिट फिल्में देने के कारण अल्लू अर्जुन को बड़े बड़े डायरेक्टर अपनी फिल्म में बतौर हीरो के रोल में लेने के लिए लाइन लगाने लगे। अल्लू अर्जुन साउथ इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम बन चुका है जिनके फैंस न सिर्फ साउथ में बल्कि सभी जगह देखने को मिलते हैं। उनके नाम मात्र से ही लोग उनकी फिल्म को देखने चले जाते हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों की बात की जाए तो इनमें द पावर, आर्या, आर्या 2, अंतिम फैसला, डेंजरस खिलाड़ी, लक्की द रेसर, डीजे। इसके अलावा साल 2021 में आई फिल्म पुष्पा ने अल्लू अर्जुन को वर्ल्ड वाइड एक बड़ा स्टार बना दिया। अभी तक अल्लू अर्जुन ने कुल 20 फिल्में की हैं, जिसमें से ज्यादातर सुपर डुपर हिट, हिट या फिर एवरेज रही हैं। उनकी अभी तक कोई फिल्म फ्लॉप नहीं गई है। इन 20 फिल्मों के लिए उन्होंने 20 से भी ज्यादा पुरस्कार अपने नाम किए। चूंकि अल्लू अर्जुन एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने 6 मार्च 2011 को स्नेहा रेड्डी के साथ हिंदी रीति रिवाज के तहत हैदराबाद में शादी रचाई। तो दोस्तों, ये था साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की कहानी। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।